हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज का टॉपिक है टू नो योर फिजिक्स लैब एपरेटस। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट एपरेटस के बारे में, कौन कौन से एपरेटस होते हैं फिजिक्स लैब में जिनका यूज सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका दूसरा नाम सेमीकंडक्टर डायोड भी है। इसका यूज है वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना। सेमीकंडक्टर में वोल्टेज और करंट के वेरिएशन को स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। इसमें एक वोल्टमीटर है और एक एमीटर जिसमें दो रेंज है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं, ऊपर वाले नॉब पे 3 वोल्ट का रेंज काम करेगा, 0 to 3, और जब इसको नीचे कर दिया जाए तो ये नीचे वाला नॉब काम करेगा, 0 to 30। उसी तरह आम मीटर का भी है, जब ऊपर कर दिया जाए 10 मिली एम्पियर पे तो ऊपर वाला रेंज काम करेगा, 0 to 10 मिली एम्पियर, और इस नॉब को अगर नीचे कर दिया जाए तो नीचे वाला रेंज काम करेगा, 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। इससे ऑफ ऑन होता है। ये इसके कनेक्टिंग वायर्स हैं जिससे इनको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका दूसरा नाम सेमीकंडक्टर डायोड भी है, सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस। ये कुछ दूसरे ब्रांड का है। इसमें भी एक वोल्ट मीटर और एक एम मीटर लगा हुआ है। इसमें भी वोल्ट मीटर के लिए 2 रेंज है, ये नोब उसके लिए दिया हुआ है। जब ऊपर 3 वोल्ट में रखेंगे तो ये 3 वोल्ट वाला रेंज काम करेगा, 30 वोल्ट पर रखेंगे तो नीचे वाला रेंज काम करेगा। उसी तरह एम मीटर का है, 10 मिली एम्पियर पे रखेंगे तो ऊपर वाला रेंज काम करेगा, और 100 माइक्रो एम्पियर पे रखेंगे तो नीचे वाला रीडिंग को काउंट करना है। इससे ऑफ ऑन होगा, इससे वोल्टेज को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये एक जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है। इसका यूज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के स्टडी करने के लिए होता है। इसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एम मीटर लगा हुआ है। एम मीटर में 2 रेंज दिया गया है, एक है 0 to 15 मिली एम्पियर और दूसरा है 0 to 150 माइक्रो एम्पियर। इस नॉब से डिसाइड होता है। जैसे ये ऊपर कर देने पर 15 मिली एम्पियर है और नीचे कर देने पर 150 माइक्रो एम्पियर के रेंज का स्टडी हम लोग कर सकते हैं। इससे वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, इनपुट वोल्टेज को। इस नॉब से ऑन ऑफ होता है, और ये है पावर सप्लाई देने के लिए। ये कनेक्टिंग वायर है जिनसे सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। ये एक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है, और जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें 2 वोल्टमीटर और 2 एम्मीटर लगे हुए हैं। एक वोल्टमीटर यहां है, दूसरा वोल्टमीटर यहां लगा हुआ है। एक माइक्रो एम्पियर एम्मीटर, एक मिली एम्पियर एम्मीटर, दूसरा मिली एम्पियर एम्मीटर लगा हुआ है। इस नॉब से हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, और यहां से भी ये कंट्रोल होता है। इसके कनेक्टिंग वायर यहां दिए गए हैं, और ये मेन सप्लाई के लिए दिया गया है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिसका काम है देखकर लेंथ मेजर करना। इसमें बहुत सारा स्केलिंग दिया हुआ है। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल स्केल, और ये रहा वर्टिकल स्केल। इससे हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। ये एक बैटरी एलिमिनेटर है। इसका काम है बैटरी को एलिमिनेट करना, मतलब बैटरी का काम खुद करना। इससे आप 0 to 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस आप पा सकते हैं, 0 to 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आप इससे पा सकते हैं। ये रहा मेन स्विच, एसी टू डीसी कन्वर्टर भी है। ये वोल्टेज सेलेक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
इससे ऑन ऑफ होगा और ये एलईडी है, ये इंडिकेशन है पावर ऑन है या ऑफ। ये एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, इसका नाम है स्लाइड कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स भी इसे कहा जाता है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इसमें तीन तरीके से मेजरमेंट होता है। जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है, उसको या तो इन दोनों के बीच में रख दीजिए, इन दोनों के बीच में, या फिर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो अंदर में इसको फंसा देना होगा, या फिर डेप्थ मेजर करना है तो ये अंदर जाएगा। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ये लीनियर चलता है। ये एक स्क्रू गेज है, इससे वायर के डायमीटर कैलकुलेट किए जाते हैं। ये स्लाइड कैलिपर से भी छोटा वैल्यू को कैलकुलेट करता है। इसमें दो स्केल है, ये इसका अंदर मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल। ये स्फेरोमीटर है, इस डिवाइस का नाम स्फेरोमीटर है। जनरली ये किसी भी मिरर या लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता है। इसके थ्री लेग्स होते हैं और इससे मेजरमेंट होता है। ये ऐसे मूव करने से ये पार्ट बाहर या अंदर जाता है। ये एक मल्टीमीटर है, जिससे हम लोग करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एटसेट्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ वायर्स हैं जिसके थ्रू कनेक्ट करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये एक एममीटर है, जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। इसके दो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये इसका जो रेंज है वो 0 to 3 एम्पियर है। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये जो आपके सामने है वो है मिली एममीटर। इसका रेंज थोड़ा कम है, 0 to 250 मिली एम्पियर। इसके भी दो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक वोल्टमीटर है, जिसका काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना या वोल्टेज को मेजर करना। इसका रेंज है 0 to 3 वोल्ट। इसके भी दो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये मिली वोल्ट मीटर है, इसका रेंज कम है, 0 to 100 मिली वोल्ट, यानी कम पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। इसके भी दो टर्मिनल हैं, ये भी एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस ही है। ये एक गैल्वेनोमीटर है, जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना विथ डायरेक्शन। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी मेजर करता है। पर इसके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इसका फिगर ऑफ मेरिट का वैल्यू मालूम होना चाहिए। करंट इज इक्वल्स टू होता है फिगर ऑफ मेरिट टाइम्स डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये पॉइंटर अगर 10 पर है, सो 10 डिवीजन टाइम्स फिगर ऑफ मेरिट। ये भी एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक जिनका वैल्यू फिक्स होता है, दूसरा जो वेरी करते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 50 ओम का रजिस्टर है और ये 1K का रजिस्टर है। ये रियोस्टेट है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका जो कैपेसिटी है 120 ओम तक के रजिस्टेंस को ये ऑफर करेगा। ये यहां से स्लाइड होता है, यहां से रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। ये भी एक रियोस्टेट है, जिसका रेंज 10 ओम तक का है। कहने का मतलब ये 10 ओम तक का रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। ये ऐसे स्लाइड होता है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस वायर है, जो जनरली मैग्नीन का बना हुआ है। मैग्नीन एक एलॉय है, जिसमें कॉपर, मैग्नीज और निकल रहता है। कॉपर 84%, मैग्नीज 12%, निकल 4%। और इसका भी काम है रेजिस्टेंस ऑफर करना। इसमें रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह है इलेक्ट्रिक सेल, 1.5 वोल्ट ड्राई, रिचार्जेबल,
ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी एक सेल है 6 वोल्ट का रिचार्जेबल, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और ये एक 9 वोल्ट का सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, ये नॉन रिचार्जेबल है वन टाइम यूज के लिए। ये दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये 0.1 ओम टू 10 ओम तक के रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिस नॉब को हम निकालेंगे वही रेजिस्टेंस उस पर काम कर रहा होता है सर्किट में। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो 1 ओम टू 10,000 ओम के रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। ये है डिफरेंट थिकनेस के ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के स्टडी के लिए। ये है आपका ग्लास प्रिज्म, ये है प्लेन मिरर, यह है कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग इनसाइड, यह है कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउटसाइड, यह है कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने देखा होगा, ये कॉनकेव लेंस है, ये स्पिरिट लेवल है, किसी लेवल को स्पिरिट लेवल है, ये स्पिरिट लेवल है किसी सरफेस को लेवल करने में काम आता है, ये मिरर स्टैंड है, इसमें मिरर को रखा जाता है। ये मिरर स्टैंड है, लेंस या मिरर आप इसमें रख सकते हैं। ये ऑप्टिकल बेंच है, इसमें लेंस और मिरर को रखा जाता है और इमेज फॉर्मेशन का स्टडी किया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इससे किए जाते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, ईएमएफ को कंपेयर करने का एक्सपेरिमेंट इससे किया जाता है। ये एक मीटर ब्रिज है जिससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यहां पर अननोन रेजिस्टेंस वाले वायर को रखा जाता है या फिर यहां भी रखा जा सकता है। ये एक सोनोमीटर है, इसे फ्रीक्वेंसी और लेंथ के स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। ये एक की है, इसमें 3 कनेक्शन एक साथ किया जा सकता है, 1, 2, 3, और इसमें 2 कनेक्शन आप एक साथ कर सकते हैं, 1, 2, ये ओपन ये क्लोज, सर्किट को ओपन और क्लोज करने में इसका यूज होता है। ये फिजिक्स लैब का वेइंग बॉक्स है, वेट बॉक्स है, जिससे बहुत ही छोटे छोटे मास को मेजर किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 200 मिलीग्राम के मास को मेजर करने के लिए दिया गया है। ये 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम है, 10 ग्राम, 5, 2.5, उससे कम, उससे भी कम। ये कनेक्टिंग वायर है जो सर्किट को कनेक्ट करने में काम आता है।